सलाम वालेकुम सरताज भाई। वालेकुम अस्सलाम। इस बार निशाने चूकने नहीं चाहिए, प्रैक्टिस चालू है? ये समझ लो ओलंपिक में भेजेंगे तो मेडल ले आएंगे। फिर माहौल इतना ठंडा क्यों लग रहा है रसीद मियां? जी भाई। लास्ट पत्थरबाजी कब हुई थी? अपना परसों। कल क्यों नहीं हुई? कल इनका स्कूल था भाई। क्या करेंगे पढ़ लिख कर? आज़ादी की लड़ाई किताबों से नहीं बंदूकों से लड़ी जाती है। क्रिकेट देखते हो? हाँ। फेवरेट कौन है? विराट कोहली। नहीं नहीं भाईजान, आफरीदी। पिछली बार कितने सर फोड़े? 10। बस अगली बार 25 जवानों के सर फोड़ना, नोट जेब में और पत्थर सर पे। आज रात की गश्त में तबाही हो जानी चाहिए। कम से कम 50 बच्चे जमा कर। 50? 50 कहाँ से लाऊंगा भाई, 5 मुश्किल से मिलते हैं। इनके घर वाले कहते हैं 500 की पत्ती नहीं अब 1000 की दो। तू सिपाही तैयार कर, पैसे शाम को मिल जाएंगे। मैडम आपके लिए फोन। विंशना महकत के पतीजे। जनाब सरताज का है। पिछले हफ्ते पैसे पहुंचा दिए थे। जी मैडम, लेकिन वो तो आपकी सरकार ने जब्त कर लिया हमारे सिपाहियों के साथ। अब आगे की लड़ाई जारी रखनी है तो रकम आती रहनी चाहिए। आप कहें तो कुछ दिन के लिए लड़ाई रोक दें। हिंदुस्तान में किसी की इतनी कुव्वत नहीं कि तुम्हारी आजादी की लड़ाई को रोक दे। सुमा बर फिक्र क्या, शाम तक पैसे पहुंच जाएंगे। पत्थरबारी नहीं रुकनी चाहिए। नहीं रुकेगी। दिल्ली फोन लगाओ और राघव से मेरी बात कराओ। लीजिए लीजिए, आप भी लीजिए। नहीं नहीं खाइए आप, मेरा वैसे भी उपवास है आज मंगलवार का। राघव, सोच रहा हूँ 40 लाख रुपए का इंतजाम 2 घंटे में। अर्जेंट नहीं होता तब आपके पास तो नहीं आते ना। अभी कोनो प्रॉब्लम है तो? नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैडम जी की वजह से तो यहाँ बैठे हैं भाई। इतना बड़ा कॉलेज चला रहे हैं, अब ऐसे मौके पर हम काम नहीं आएंगे तो फिर कौन काम आएगा? तो बताइए क्या बोले मैडम जी को हम? अरे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है भैया, यही तो कह रहे हैं, माता रानी है ऊपर। बस आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो हम चले कि रहे यहीं पे? नहीं नहीं चलिए आप, 2 घंटे में आपके ऑफिस में 40 लाख रुपया पहुंचा देंगे। चलिए अच्छा है। बाबूजी, मैं जानता हूं आप एक फौजी थे और आपको ये गलत लग रहा है, लेकिन बाबूजी मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये आजकल की रीत है, पैसे दो और फ्यूचर लो। लेकिन इस समय मुझे सिर्फ ऋषि का करियर दिख रहा है। बाबूजी मेरी लाइफ तो कट गई, लेकिन ऋषि अच्छे कॉलेज में पढ़ेगा, कम से कम वो यहां से बाहर तो चला जाएगा। मुझे यहाँ आगे कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। बाबूजी आई होप यू अंडरस्टैंड मी। ऋषि, कमिंग डैड, 2 मिनट्स। लेट हो रहा है। पूरे 50? हाँ सर। फ्यूचर ब्राइट है आपके बेटे का। ऐसा कीजिए यहाँ से राइट जाइए और एडमिशन काउंटर बंद होने से पहले फटाफट फॉर्म भरिए, वरना लेट हो जाएगा। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। डू वेल। यस सर। ये सूटकेस राघव के ऑफिस में 1 घंटे में पहुंच जाना चाहिए बाहर। जी। ये
राघव का फोन आया था, 40 लाख का अरेंजमेंट हो गया है। एक्सीलेंट। ये 30 लाख है जी, सरताज के पास पहुंचा दो जी। टेल हिम आई वांट रिजल्ट्स। जी जनाब। क्या यार, 6 बजे बोल के खुद 7:30 बजे आ रहे हो। चल जल्दी जा, लेट मत कर, 9 बजे पत्थरबाजी शुरू हो जानी चाहिए। शिकस्त। आज आप सभी से कुछ विशेष निवेदन करना चाहता हूं। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आपसे साझा करूंगा। आज 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होंगी। देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 रुपये 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। उनका मानना है भ्रष्टाचार, काले धन, जाली नोट और आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई होनी चाहिए। भाईजान आप यहाँ? हाँ, वो नेटवर्क नहीं था और कॉल नहीं लग रहा था, ऊपर आना पड़ा। बच्चे कहाँ हैं? पैसे आ गए हैं। भाईजान अब कोई नहीं आएगा। क्या बकवास कर रहा है? अरे न्यूज़ देखो, 500,000 के नोट बंद कर दिए गए हैं। क्या? रशीद? जी अम्मी। आया। भाईजान मैं बाद में मिलता हूँ आपसे। सारे कानून से एक बहुत बड़े चोर दरवाजे को बंद कर दिया गया। पूरे 50 लाख हैं, सोनी साहब ने भेजा है। और एडमिशन हो जाएगा, मैं निकलता हूँ, मुझे देर हो रही है।